हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की असाइनमेंट वर्कशीट 8 करेंगे, जो कि इंग्लिश की क्लास 9th की है, 1 नवंबर की है। तो आज का कार्यपत्र जो हमारा असाइनमेंट है ये इंग्लिश का है। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। पहली कि ये 20 मार्क्स का है। ये एक असाइनमेंट वर्कशीट है जो कि आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट्स थी उन पर बेस्ड है। इसमें कुल 13 क्वेश्चन है। पहले 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और फिर अगले क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो सब आपको अपने आंसर्स जो है वो लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकंड स्पेयर फॉर। तो द हैप्पी प्रिंस सेंड सेकंड सैफियर टू अ यंग गर्ल। सेकंड, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वेलो टू टेक टू द पुअर लेडी। द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल स्वेलो टू टेक रूबी टू द पुअर लेडी। अब थर्ड, वेयर वॉज द लिटिल स्वेलो गोइंग। जो वो स्वेलो बर्ड थी वो कहाँ जा रही थी। तो द लिटिल स्वेलो वॉज गोइंग टू द इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रही थी। फोर्थ, हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वीक वॉल। किसको जिम्मेदार ठहराया इतनी कमजोर वॉल बनाने के लिए। तो द ब्रिक लेयर होल्ड द डांसिंग गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वीक वॉल। जो डांसिंग गर्ल थी तो उसको ब्रिक लेयर ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया एक वीक वॉल बनाने के लिए। फिफ्थ, हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम। कि सबसे पहले किसको किंग ने जिम्मेदार ठहराया इस हादसे के लिए। तो किसको अपराधी ठहराया था, द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम इज द मर्चेंट। अगला, हु वॉज मेड द न्यू किंग। किसको नया राजा बनाया गया जब जो प्रीवियस राजा था उसको फांसी पर लटका दिया। तो गुरु को। सेवंथ है, अभी आपके 2 मार्क्स के हैं। वेयर डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्टे फॉर द नाइट। द स्वेलो डिसाइडेड टू स्टे फॉर द नाइट अंडर द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एट नाइट बिकॉज इट वॉज हाई अप एंड सो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर।